टीएस एलियट अमेरिकाना वीसमी सदीना जाणीता कवि नाट्य लेखक विवेचक तथा प्रकाशक हता। टीएस एलियट आधुनिकतावादी कवि गणाय छे। नवा विवेचको तेमनाथी प्रेरित थया हता। वर्ष 1948 में साहित्य माटे नोबेल पारितोषिक एनायत करवामां आव्युं हतुं। तेमनी कृतिओना विश्वनी केटलीक भाषाओमां अनुवादो थई चूक्या छे। तेमने राष्ट्रीय तेमज आंतरराष्ट्रीय कक्षाना केटलाय सन्मानो मळ्या हता। तेमने डॉक्टरेटनी पदवी मळी हती। टीएस एलियटे ध वेस्टलेंड नामनो एक काव्य संग्रह आप्यो छे, जेनु गुजराती में अनुवाद मरुभूमि नामे हरिंद्र दवाए करेलू छे। आ एक दीर्घ काव्य में 434 पंक्तिओ छे। आ काव्य संग्रहनु प्रकाशन 1922 में थयुं हतुं। आ काव्यने दीर्घ काव्यने 5 भाग में वेचवामां आवेलू छे। जे पहेलो भाग छे ध बरियल ऑफ द डेड, मृतनु दहन। त्यारबाद बीजो भाग छे अ गेम ऑफ चेस, शतरंजनी रमत। अने त्रीजो भाग छे फायर सरमन, अग्निबोध। अने चौथो भाग छे डेथ बाय वॉटर, जड द्वारा मृत्यु। त्यारबाद पांचमो भाग छे व्हाट द थंडर से, मेघ गर्जनाए शू कह्यू। आ दीर्घ काव्य में विविध वक्ताओ छे, जे युद्ध मूझवण मृत्युनी संवेदना अने लागणी व्यक्त करे छे। युद्ध बादना मानसिक तेमज भौतिक पतन ने काव्य में अभिव्यक्त करवामां आव्युं छे। प्रथम विभाग एटले के मृतनु दहन में सर्व मृतकोनु स्मरण कर्युं छे। मेरी बोले छे जे युद्ध पूर्वना चिंता विनाना निर्दोष समय ने याद करे छे। अहीं एलियटे जर्मनीनो संदर्भ रजू कर्यो छे, जे बन्ने विश्वयुद्धों में अंत्यत हिंसक अने लड़ायक देश हतो। मेरी शियाळामांथी वसंत ऋतुना परिवर्तन उल्लेख करे छे। वसंत ऋतुनो एप्रिल मास सुंदर नहीं पण अत्यंत क्रूर मास हतो। अति निष्ठुर छे आ एप्रिल। पछी वक्तानो मूड उदासी में बदलायो छे, तेमां अंधकार छवाई जाय छे। नेरेटर निराशा भर्या वातावरण ने अभिव्यक्त करे छे। आगळ मेडम सोसोट्रिस जे भविष्यवेता छे ते टेरोट कार्डनो उपयोग करी भविष्यवाणी करे छे के तेनु मृत्यु पानी में थवानी संभावना छे, माटे साचवू। बीजो विभाग छे शतरंजनी रमत में वाचक ने लंडननी शेरीओथी सोनाथी मढ़ेल बैठक रूम में लई जाय छे। त्या एक अति धनिक हीरा माणिकना आभूषणोथी सज्ज स्त्री बैठी होय छे। आ स्त्री तेनी वात करे छे। ज्यारे त्रीजा विभाग में अग्निबोध में कथनकार नदीना किनारे बैठो छे अने जगतनी निराशाजनक स्थिति अंगे विचारे छे। जे टेम्स नदी में प्राचीन समय में जड़ परियो रहती हती, हवे त्या बधे कचरो खाली बॉटलो सीगरेटना ठूठा अने कचरानो ढगलो जोवा मळे छे। नदी में औद्योगिकरणना कारणे डामर क्रूड ऑइल अने गंदी वस्तुओ तरती हती। ज्यारे चौथा विभाग में जड़ द्वारा मृत्यु में दरिया में तनाता फिनिशिया अने फ्लीबासना मृतदेहनु दरिया में फंगोड़ाव ते एक व्यापारी हतो, जे मृत्युना कारणे नफो अने खोट विसरी जाय छे। नफो अने खोट जीवन अने मृत्युना पर्याय छे। ज्यारे पांचमा विभाग में मेघ गजनाए शू कह्यू, आ प्रथम अर्धो भाग विनाशनी पराकाष्ठा रजू करे छे। जेरुसलेम, एथेन्स, एलेक्जांड्रिया, वियेना अने लंडन नाश पामे छे अने पुनःनिर्मित थईने फरीथी वतन पामे छे। पछीथी एलियट काव्यनी पश्चात भूमिकाने गंगा किनारे खसेड़े छे, ते मेघ गर्जना गाजी रही छे। काव्यना अंते वर्षा धरतीने नवू जीवन आपे छे। अंतमां एलियट उपनिषदनो महान शांति मंत्र ओम शांति 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 रजू करे छे अने काव्यनी पूर्णाहुति थाय छे।